नमस्कार, फिल्मी बीट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृतिका वर्मा। जूही परमार से तलाक लेकर भावुक हुए सचिन श्रॉफ, कहा जूही ने मुझे कभी भी प्यार नहीं किया। 8 साल तक एक दूसरे के साथ शादी जैसे बंधन में रहने के बाद अलग होना आसान नहीं होता, लेकिन किस्मत में जो लिखा है वो कोई मिटा नहीं सकता। टीवी की जानी मानी जोड़ी जूही परमार और सचिन श्रॉफ ने सालों लंबा सफर एक साथ तय किया, लेकिन कुछ कारणों के चलते हाल ही में अलग होने का फैसला लिया। दोनों ने दिसंबर 2017 को तलाक की अर्जी कोर्ट में डाली थी और 6 जुलाई 2018 को दोनों अलग हो गए। हालांकि इनके तलाक की खास बात रही कि इन्होंने तलाक लेते समय एक दूसरे पर आरोप नहीं लगाए, दोनों शांति पूर्वक एक दूसरे से अलग हुए। तलाक के बाद जूही परमार ने मीडिया से बात की और बताया कि वो जिंदगी में कभी भी सचिन से प्यार नहीं कर पाई। जूही की माने तो शादी करने से पहले ही वो दोनों एक दूसरे को जानते थे। बता दें, सचिन ने एक दिन जूही को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया, इसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला ले लिया। वही जूही का कहना है कि वो शादी को लेकर पूरी आश्वस्त नहीं थी, लेकिन उन्हें लगा कि समय के साथ उन्हें सचिन से प्यार हो जाएगा, हालांकि ये जो कभी नहीं हो पाया, जिसकी वजह से इन दोनों को अपनी शादी को खत्म करना पड़ा। वही आपको बता दें कि जूही और सचिन की एक बेटी भी है और सचिन ने जूही और उनकी बेटी को काफी बड़ी एलिमनी भी दी है, ताकि उनकी बेटी समायरा का जो भविष्य है वो काफी उज्जवल हो सके। इसी के साथ जब सचिन से पूछा गया क्या वो दोबारा शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें अभी वक्त लगेगा अपने टूटे हुए इस रिश्ते से उभरने में। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।